नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, आज हमको ये पाइप इसमें सेट करना है, वहाँ जो ट्यूबवेल में लगाना है ये वहाँ पे छोटा रह गया है, यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे ये मैंने इससे जो ये ब्लेड है इससे ऐसे, ये जो प्लेन था यहाँ से ऐसे खुरच कर ये खुरदरा बना लिया है, ताकि जो ये इसमें ये केमिकल लगेगा वो इसको अच्छे से चेप देगा। भाई यदि ऐसे ही प्लेन होता तो इसको ये नहीं चेप पाता, ये आसानी से निकल जाता, इसलिए मैंने ये 10-15 मिनट ऐसे किया है, खुरदरा कर लिया है ये बाहर से ऐसे। ये तो खुरदरा हो गया है, अब इसको भी खुरदरा करता हूँ यहाँ से। ये अंदर की ओर से खुरदरा होगा और ये बाहर की ओर से, क्योंकि ये हिस्सा ऐसे अटैच होगा, इसमें ये केमिकल लगेगा। ये भी खुरदरा कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने इसको भी खुरदरा कर लिया है कुछ इस तरीके से ऐसे। अब ये भी खुरदरा हो चुका है, अब हम इसको सेट करते हैं ऐसे। और जो भी केमिकल है, ये केमिकल लगेगा भाई इन पाइप के ऊपर, ये जो केमिकल है इसको हम यहाँ पे अच्छे से इसको लगाते हैं ऐसे। इसको ये ऐसे लगेगा इस पे, इस पाइप पे बाहर लगेगा और उस दूसरे पाइप के अंदर लगेगा भाई ऐसे। इसके अंदर लगेगा ये, इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर लेता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, ऐसे लगाता हूँ भाई। ये इसकी जो ये केमिकल है ये इसको हटने नहीं देगा फिर दोबारा। देखो भाई, हमने इस पे ये लगा लिया है, अब इसको ऐसे अटैच कर देते हैं ऐसे, ऐसे दबा देंगे। ये हो गया इसमें फिट, अब ये थोड़ी देर में बिल्कुल पक जाएगा, फिर उतरने वाला नहीं है। ये देखो अंदर से ये आ गया इसमें सेट हो गया। चलो भाई इसको ले चलते हैं, ये भी सूख ही गया होगा, वहाँ पे लगाएंगे। ये चाबी ले ली मैंने। देखो भाई, ये पाइप है कुछ यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे, ये भी मैंने टाइट नहीं किए है नट, इसको टाइट करता हूँ अभी, इससे टाइट करता हूँ। ये भी कस